पीछे देख के चाय ला दो। तो जा रहे थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो तारीख है आज 30 अक्टूबर 2020। हम जा रहे थे आगरा को, लेकिन आ चुके हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने नाइट स्टे किया, 2 बजे हमको रूम मिला और अभी हो चुका है 9। नींद लगभग पूरी हो गई है, थोड़ा सा मेरे को है डिजीनेस, बट मैं चला लूँगा काम। यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे हम लोग निकल? यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली। यस। नहीं, यहाँ से हम लोग राम चूल्हा, लक्ष्मण चूल्हा देखेंगे। चूल्हा नहीं, झूला। मेरे होट मेरे लिप फट चुके गए तो मैं नहीं बोल पा रहा। चूमे गा मेरे ये लकी लिप्स, हाय हाय लकी लिप्स। फ्लाइट आ चुकी है गाइस, देखिए मैंने फैन चलाया था 2 पे, लेकिन नहीं चल रहा है 1 पे। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसे रही आपकी केदारनाथ की ट्रिप? केदारनाथ, तुंगनाथ, चौका। बताइए। I just want to share my experience to केदारनाथ। तो ये मेरा एक बहुत ही पुराना एक सपना हुआ करता था कि मैं केदारनाथ जाऊंगा, और विशलिस्ट और टू डू लिस्ट, चेक लिस्ट, टू डू लिस्ट। हाँ, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पीस मिला वहाँ पे, पॉजिटिविटी बहुत सुंदर, अति सुंदर। उस मंदिर का स्ट्रक्चर ही इतना प्यारा है कि आप देख के फैन हो जाएंगे, काफी पॉजिटिव है वो चीज। हाँ, और जो भीमशिला के बारे में बता लोगों को, आप भीमशिला के बारे में बता, भीमशिला जो रॉक है उसका क्या हुआ था, कैसे आई थी? आप बताइए थोड़ा सा। बोलो स्टार्ट कर। अरे आप बता दीजिए। अरे बोलो ना। तो एक्चुअली एक वो जो पत्थर था भीमशिला जिसे नाम दिया गया है, वो पत्थर जब बाढ़ आई थी 2013 में आई थी, तू 14 बोल रहा था, 2013 में जो बाढ़ आई थी उससे वो पत्थर पीछे से नीचे आया और मंदिर को उसने इतना प्रोटेक्ट किया कि साइडों से सारा पानी, जब क्लाउड बस्ट हुआ था दोनों साइड से पानी बह गया और स्ट्रीम कट गई, एक्सट्रीम ऐसा है स्ट्रीम कट गई। सुबह क्या था आपका 2013 में क्लाउड बस्ट हुआ, कहाँ पे? हिमाचल में, सॉरी उत्तराखंड में। एंड दैट क्लाउड बस्ट चोराबारी लेक करके काफ़ी जगह थी, चोराबारी लेक और जो अफेक्टेड हुई थी आपका बहुत नाम हो जाते हैं, तो आई थिंक यही लेक थी जो फटी थी। सो क्या हुआ, क्लाउड बस्ट हुआ आपका केदारनाथ के ऊपर टेम्पल के ऊपर, तो वहाँ से जितना भी पानी था सब पानी आपका केदारनाथ मंदिर की तरफ आया। सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ, तो जैसे ही स्ट्रीम बनी वो केदारनाथ मंदिर तक आने वाली, तो वो एक काफ़ी बड़ा पत्थर लेके आई अपने साथ में, बहुत बड़ा पत्थर। वो पत्थर क्या हुआ कि वो पत्थर आके आपके मंदिर के पीछे लगा, मान लीजिए ये मंदिर है, तो वो पत्थर आके सबसे पहले यहाँ लगा। उससे क्या हुआ, जितना भी पानी जो डायरेक्ट फ्लो, डायरेक्ट भाव था उसका, वो डायरेक्ट फ्लो ना लग के इट गॉट ब्रोक इनटू टू, बेंड हो गया। बेंड किस हो जाएगा, मेटल है मतलब, दो साइड में चला गया। वो स्ट्रीम, दो कर दी चुकी है, मतलब मत सुना करो, मेरी सुना करो। ठीक है, वो ऐसे कट गया। अब क्या हुआ, अब वो इतना बड़ा पत्थर है, कम से कम टनों का पत्थर होगा वो, एंड वी डोंट नो हाउ इट यू नो केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स और इतना कितना पानी का फ्लो होगा। तो अभी क्या है, अभी उस पत्थर का नाम भीमशिला रख दिया गया है और अभी उस पत्थर को पूजा जाता है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि शिव जी ने उसे ऊपर से ऐसे लुढ़का दिया और अपना एक जो वहाँ पे मुहिमा रखी हुई है उनकी, जो शिवलिंग है उसे बचाने के लिए उन्होंने वो पत्थर ऊपर से छोड़ दिया।
और वो अभी तक वही है, वो वही रहेगा, किसी के बाप में होता नहीं है पत्थर फैला सके। आप तो वैसे भी ला सकते हो, यू नो हिंदू धर्म मान्यता है। अच्छा अच्छा आप समझ सकते हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं किसी को, बट सब कुछ चलिए चलिए आइए, लेट्स सेट आउट फ्रॉम दिस नाइस प्लेस। टाइम हो चुकी है सारी, हम यहाँ से निकलने के मूड में हैं। कुणाल को भी मन नहीं करता, वो एकदम बैठे हैं आराम से गाने सुन रहे हैं, बट हम चलेंगे। तो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं ये रूम ऋषिकेश वाला, और थोड़ा सा ऋषिकेश घूमेंगे। अच्छा रूम दिया गया था हमको, हमने देखिए सारे मेसी बेड्स, मतलब घर के बेड जैसे होते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट जो शॉट होगा वो बाहर का होगा ऋषिकेश का। आपको दिखाएंगे हम रिवर साइड भी, तो हमने आपको दिखाया माउंटेंस रूम के अंदर का, आपको दिखाएंगे रूम के अंदर बहते हुए एक रिवर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो हम लोग हैं ऋषिकेश के रोड पर और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। बैक टू ऋषभ, ये बताएंगे आपको। तो अभी हम उठे हैं, इट्स 9:15, अभी हम चल चुके हैं काफ़ी एक चाय पीने के लिए, चाय पीने, बस चाय पीने, चैन की चाय, चैन की चाय। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सुबह की ऋषिकेश आपको दिखाते हैं हम लोग। देखिए वो सामने ओम रिजॉर्ट देख पा रहे होंगे आप, वो वाला ओम रिजॉर्ट ऑर्किड रेस्टोरेंट, जहाँ से आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से फ्लाइंग भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। दिस शॉप, आइए कुछ बात करते हैं, आइए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज यहाँ पर क्या क्या घूमेंगे, तो क्या कहना है आपका, क्या क्या घूमने? ऋषिकेश में घूमने को एज सच कुछ है नहीं। ऋषिकेश इज मोस्ट फेमस फॉर राम झूला, लक्ष्मण झूला एंड राफ्टिंग। राफ्टिंग हम करने वाले हैं, राफ्टिंग, बंजी और ऑल द एडवेंचर स्पोर्ट्स, यस, ट्रैकिंग, कैंपिंग। जी जी जी, यू गॉट मी। एंड अलोंग विद राफ्टिंग इज वन मोर कायाको, क्या था, कैयोटा बताऊंगा। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर, कितना सुंदर माहौल, सर्दी बढ़ती हुई और हमने अंडर एस्टिमेट किया और हम पहन के नहीं आए, फिर ठंडा गर्म होगा और हमारी फटी। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, तो हम आ गए हैं ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के बीचों बीच, और ये है कुछ ऐसा आदत, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ, रोमांचक, दिल को खुश करने वाला नज़ारा है ये, हार्ट वार्मिंग। ये है एक बहुत ही प्यारा मंदिर, इधर भी कुछ नज़ारा बहुत अच्छा है। एंड दिस इज रिवर गंगेज, लक्ष्मण झूला को क्रॉस करते हुए। तो ये आगे जा रहे हैं ऋषभ, पीछे हैं कुणाल। और ये हूँ मैं, राफ्टिंग करना है? नहीं भैया, राफ्टिंग नहीं करनी, नहीं आती है राफ्टिंग, गंदी चीज है। कड़े बड़े देखते हैं, घरवालों के लिए कुछ नहीं लेके जाते हैं, अच्छा लगे और डमरू लेके जाएंगे उनके लिए। अरे बोले सीटी ले, ये ले चलिए, मम्मी मारेगी सीटी वाले डंडों को। हम नई चीज़ दिखाते हुए, कड़ा कैसे उतार सकते हैं अगर फंस जाए तो, मारी बढ़ता बच्चा है। Na na na
बचेगी। पीछे देख वो रखा सर, मैंने मिक्स कर दिया। ऋषिकेश का कुछ ऐसा लगता है और हम बन गए हैं लड़कीबाज ब्लॉगर। खाने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, डोसा पूरा रखा है बाहर। बैठिए, यहीं बैठ जाइए। थैले मिलते हैं दिखा दे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक कैफ़े ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ चुके हैं गलियों में। ये गली, ये चौराहा, यहाँ आना ना दोबारा। रानी जी का मंदिर है ये, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर और विंटेज लुक है इसका। इसके जो बीच रास्ते में हमें मिल गए थे कुणाल खन्ना। हमने सोचा हमारा दोस्त भूखा कैसे रह जाए, थोड़ा सा देखिए, आइए दिखाइए। खन्ना ले लो। खन्ना खन्ना, अरे खन्ना इज नॉट इंटरेस्टेड सर। ओ भाई भाई पूरी हो भाई, कैमरा नहीं छीन ले सर। अमरूद है ना, क्या आदमी है, देखे मीठा खा लीजिए इसके साथ। गुस्सा हो रहा है भाई। आप कब से देख रहे हैं? एक घंटा हो गया। अच्छा अभी एक ही घंटा हुआ है भाई, क्या कर रहा है ये? वो अंदर अंदर का खा रहा है ना ये। अच्छा, प्लास्टिक खा गया, माल माल खाया जा रहा है बस। प्लास्टिक खा गया, सिर्फ काजू खा जाएगा। देखो कितने सारे अमरूद उसने वैसे ही रख दिए। अब इधर रख दे, नहीं आराम से खा लेगा, एक एक करके ये डाल दो। हाँ, गिरा के उड़ा, इधर रख, इधर रख। सही लगा उसे, सही लगा भाई। ये काजू खा रहा है, वो पहले काजू खाएगा तो फिर माल खाएंगे सर। कुछ बात मत कर, मेरे को तो दिखा, पीछे से जा। दिख रहा है, दिख रहा है सर। और खाएंगे काजू, पहले वो तो लेने दे यार। अच्छा, पहले वो खा लो, क्योंकि फेंक रहे हैं फिर, वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ मनी सर। डब्बा आपके पास होता है जो पानी पीने के लिए इसको डाल दे? डब्बा तो नहीं होगा, खोलेंगे। अरे पानी के लिए तो ये चला जाएगा लटक के एकदम मस्त, पानी तो भर रहा है सामने, डुबकी मारे आएगा। ये कितनी कमी है पानी की, पूछ देगी कितनी बड़ी पूछ। मैं ये पता है, देखा पूछ को, उसको छुपे दिखा दे। ये लाइफ में सारे एडवेंचर करिए, लेकिन इनकी पूछ ना छुइए। लेट से ज्यादा मार करती है पूछ। हां, चटाक मारे हंटर से तेज, खून निकाल देगी एक बार में। बंदर से डरते हैं, तभी तुम कह रहे इसको लेके चलते हैं उधर, तंग बिठा लेंगे। वो वाली पिक्चर देखी इश्क, उसमें निकल निकल के आता है भाई, बहुत परेशान है अपनी जिंदगी में। पूछ, हाथ हाथ फेर ले सर पे। अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसे छू मत, फेर ले रहा तू, परेशान है ना, बहुत सिंपैथी आ रही थी बस। काजू खा रहा है सिर्फ, तू मान ले एकदम बोलने लगा। हाँ खा रहा हूँ, तो अपने बाप का खा रहा हूँ। बहुत मासूम है भाई। और लेंगे सर, सर एक आध और ले लीजिए, फिर हम जा रहे हैं। पूरा प्रॉपर छील गए। हाँ, उसका अंतर का भी नहीं खाता, जो लाल रंग का लगा रहता। अच्छा, है वो भी फेंकेगा।
सर एक ले लीजिए फिर मैं जा रहा हूँ, एक और ले जी। अबे रख दे, रखा हुआ नहीं खा रहा भाई, वो खाएगा भाई, फेंक रहा है, खाएगा भाई वो सिर्फ। अरे उसके उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो आराम से खाएगा। खाता है पीनट्स हो, कैश्यू हो, एलमंड्स ले आओ सर, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड खाएंगे उसको, उसको ना शिया सीड्स चिलाजी। अभी गुस्सा हो, ये बूढ़ा हो चुका है पता है, बहुत बड़ा है, एक और ले लीजिए सर, ये फेंकना नहीं, नहीं सर नहीं। अरे सर नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं है भाई, खा लेना, प्रणाम, चलते चलो। ओके खन्ना, सी यू इन आगरा।